में आप क्या मानती हैं कि स्थानीय प्रशासन ने बहुत बड़ी चूक और लापरवाही का मामला है, आज उसको इस स्तर पे जाना पड़ा कि आज वो आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठी है? नहीं नहीं, जैसा वो जिस तरीके से वीडियो में वो कह रही है कि मैं जगह जगह पर प्रशासन के पास गई लेकिन मेरी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, अगर उसने एप्लीकेशन दिया है और सुनवाई नहीं हुई है तो निश्चित प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि अगर ये आरोप जो लगा रही है, अगर ये घटना सारी सत्य है तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इसकी जांच होगी निश्चित, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे वो कोई भी हो, किसी कीमत में बक्सा नहीं जाएगा, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर इसमें कोई भी लिप्त है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी किसी कीमत में बचे ना, निर्दोष किसी कीमत में फंसे ना, इसकी उच्च स्तरीय की जांच होनी चाहिए। ये थी अनीता श्रीवास्तव, रायबरेली के भाजपा पदाधिकारी भी हैं, कई सालों से भाजपा में रही हैं और स्थानीय स्तर पर पिछले चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी भी रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा ये कह रही हैं उसके तहत अब उस महिला को स्थानीय प्रशासन द्वारा, पार्टी संगठन द्वारा, खैर उसने इल्जाम भी बहुत गंभीर इल्जाम लगाए हैं रायबरेली भाजपा के कुछ पदाधिकारियों पर, कुछ नेताओं पर, स्थानीय स्तर के जो भी नेता हैं जिसका उसने नाम लिया है, पारदर्शिता आएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें शीघ्रता आएगी। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव।